और क्या इसका मतलब ये होता है कि भाई कि हमने 4 साल काम किया हिमाचल प्रदेश में और पांचवें साल के पूरे साल के पूरा फाइनेंशियल ईयर के जितने भी इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं जितने भी हमने निर्णय लिए उनको इनको उनको बंद करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं हो सकता है, संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसमें कांग्रेस ये तर्क दे रही है सर कि 3,000 करोड़ का जो है बोझ डाल दिया है, डबल इंजन पहले 4 सालों में क्यों ऐसा नहीं कर पाई, लास्ट के साल में ही क्यों याद आई 590 के आसपास इंस्टीट्यूशंस की वो बात कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जब अंतिम दिन अंतिम सरकार के पूर्व सरकार का अंतिम समय था 1 महीने के अंदर 21 कॉलेज खोले थे उन्होंने और उसमें भी हमने जो फंक्शनल कर दिए थे उन्होंने हमने वो बंद नहीं किया, हमने चलाए। ये बहुत अपरिपक्व निर्णय है और जिस निर्णय में बदले की भावना की बू आती है कि जल्दबाजी में जो निर्णय लिए गए हैं इस पर पुनर्विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री को, अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दुर्दशा वर्तमान सरकार की आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ आप धरने में यहां पर बैठो। हमने उनको कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री अभी तक रिव्यू करें इन निर्णयों पर। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार रिव्यू कर सकती है, लेकिन 1 साल के यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद के सारे निर्णयों को जो इंस्टीट्यूशन खोलने के मामले हैं उनको डिनोटिफाई कर रही है, रिव्यू कर रही है। किसी भी सरकार को अगर मैंडेट होता है वो 5 साल का होता है जी। और क्या इसका मतलब ये होता है कि भाई कि हमने 4 साल काम किया हिमाचल प्रदेश में और पांचवें साल के पूरे साल के पूरा फाइनेंशियल ईयर के जितने भी इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं जितने भी हमने निर्णय लिए उनको इनको उनको बंद करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं हो सकता है, संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसमें कांग्रेस ये तर्क दे रही है सर कि 3,000 करोड़ का जो है बोझ डाल दिया है, डबल इंजन पहले 4 सालों में क्यों ऐसा नहीं कर पाई, लास्ट के साल में ही क्यों याद आई 590 के आसपास इंस्टीट्यूशंस की वो बात कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि जब अंतिम दिन अंतिम सरकार के पूर्व सरकार का अंतिम समय था 1 महीने के अंदर 21 कॉलेज खोले थे उन्होंने और उसमें भी हमने जो फंक्शनल कर दिए थे उन्होंने हमने वो बंद नहीं किया, हमने चलाए। आप किस तरह से देखते हैं जो एक ट्रेंड या कहे जिस तरह से इस फॉर्मेट को अपनाया गया है डीनोटिफाई करने का, ये आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत अपरिपक्व निर्णय है और जिस निर्णय में बदले की भावना की बू आती है। और दूसरी बात, और मुझे मालूम नहीं कौन लोग ऐसे हैं जो इनके सलाहकार हैं जो इनकी इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और इसके कारण एक पूरे प्रदेश भर में एक नाराजगी का एक निराशा का एक माहौल शुरू में ही सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गया। संस्थान के बारे में आप रिव्यू करिए, अगर आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन के हिसाब से नहीं बनता है और चीज़ों को लेकर के उस पर विचार करने की आवश्यकता है आप करिए, लेकिन उसके बावजूद जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हो चुके हैं जहाँ स्टाफिंग हो चुकी है, पोस्टों की क्रिएशन कैबिनेट से हो गई है, फाइनेंस की अप्रूवल हो गई है और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल होने के बाद काम कर रहे हैं, उनको बंद करना कोई औचित्य नहीं बनता, कोई तरीका नहीं बनता। किसी भी सरकार ने आज से पहले इस प्रकार से नहीं किया, तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में जो निर्णय लिए गए हैं इस पर पुनर्विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री को, अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दुर्दशा वर्तमान सरकार की आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। हम अभी तक निकले नहीं शिमला, अभी तक हम चले नहीं शिमला से, लोग हमको इंतज़ार कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ आप धरने में यहाँ पर बैठो, हमारा डिवीज़न बंद कर दिया, हमारा SDM का दफ्तर बंद कर दिया, हमारा तहसील बंद कर दी, सब तहसील बंद कर दी, हम धरने पर बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आए। हमने उनको कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री अभी तक रिव्यू करें इन निर्णयों पर, और इस तरह से अगर ये सारा दौर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा नाराजगी का एक माहौल खड़ा होगा। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।